इन दो बंदों के नवाबी शौक ने इंडिया की लॉन्ड्री इंडस्ट्री को पूरी तरह से बदल दिया। कौन है ये दो बंदे, आइए जानते हैं। ये कहानी है 1990s की। इंडिया के दो भाइयों को एक अजीब शौक था। वो एक बार कपड़े पहनने के बाद उसे बिना ड्राई क्लीन किए दोबारा नहीं पहनते थे, और इसके लिए वो लिटरली इंडियन एयरलाइन से कपड़ों को दुबई भेजते थे और वहां से ड्राई क्लीन करवाते थे। फिर उनको लगा कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, इसीलिए उन्होंने इटली से मशीनरी इंपोर्ट करके दुबई जैसा एक सेटअप अपने फार्म हाउस पर लगाया। लेकिन वो मशीन 90% ऑफ द टाइम बंद ही रहती थी, तो इसी को उन्होंने एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखा और ग्रेटर नोएडा में दुनिया का सबसे बड़ा लॉन्ड्री सेटअप लगाया। इसका नाम रखा व्हाइट टाइगर, जो कि आगे चलकर नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा लॉन्ड्री ब्रांड बन गया। लेकिन 2013 में कुछ अनफॉर्चुनेट रीजंस की वजह से उन्हें व्हाइट टाइगर को बंद करना पड़ा। ये दो बंदे और कोई नहीं बल्कि शिवानी ऑयल एंड गैस कंपनीज के ओनर्स पदम सिंघी और प्रेम सिंघी है। सब्सक्राइब करो और ऐसी अननोन इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए।